आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एक डिजिटल लेवल को इस्तेमाल करा जाता है और साथ ही इसका कंपैरिजन स्टैनली के एक स्पिरिट लेवल के साथ भी करेंगे। लेवल के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाते हैं, लेकिन इस पे बेसिक जानकारी ही मिलेगी आपको, तो वीडियो को देखते रहें पूरी जानकारी के लिए। कैरी बैग भी दिया गया है जिसके अंदर ये खुद आता है और ऊपर की तरफ ही इसके साथ एक बैटरी मिल जाती है और कुछ इस तरीके का ये दिखता है लेवल। ये क्लास 2 लेज़र प्रोडक्ट है, तो इसके लेज़र के अंदर आपको डायरेक्टली नहीं देखना है और भी इसकी डिटेल्स दी गई है। ये सारे इसके कंट्रोल्स हैं और ये डिस्प्ले है जहाँ पर ये लेवल डिस्प्ले करेगा आपको। इनकेस बैटरी वीक हो जाए और आपके पास बैटरी नहीं हो रिप्लेसमेंट के लिए, तो स्पिरिट लेवल के ज़रिए भी आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं इससे। सबसे पहले तो बैटरीज इंस्टॉल कर लेते हैं इसके अंदर। ये 9 वोल्ट की बैटरी है और ये कॉमनली जो बैटरीज अवेलेबल होती है उस तरीके की है, लेकिन इनकी लाइफ थोड़ी सी कम रहती है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा लंबी चले बैटरी, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पैनासोनिक की बैटरीज आप इस्तेमाल करें। इनकी खासियत ये है कि एक्सपायरी बहुत लंबी होती है इनकी, 5 साल तक आप इनको स्टोर कर सकते हैं, कोई भी लीकेज की दिक्कत नहीं रहती। इवन इक्विपमेंट में आप जब इसे इंस्टॉल करते हैं तब भी ये आराम से लीक नहीं करती है। एल्कलाइन बैटरीज होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी यूज़ है आपका, तो निकल मेटल हाइड्राइड की बैटरीज भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ख़ासतौर से कोई भी एक्सपेंसिव टूल्स हैं आपके पास तो इनकी जो बैटरीज के लीक करने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो उस केस में पैनासोनिक की आप इस्तेमाल करें। अभी फिलहाल इसी को इंस्टॉल कर लेते हैं और यूज़ करने के बाद मैं बाद में वो लगा लूँगा। बैटरी इंस्टॉल करने के लिए इसके पोलैरिटी का ध्यान रखें, इस तरीके से नहीं लगानी आपको, इसी तरीके से जाएगी एक ही तरफ से और इसको यहाँ पर इस तरीके से आप दबा देंगे। अब ये लॉक हो चुका है इसके टर्मिनल में, इसके बाद इसको अंदर ऐसे बैठा देंगे। बैटरी ठीक से अंदर बैठाने के बाद इसका कवर वापस लगा लें। इसको पावर ऑन करने के लिए पावर का बटन दबाएंगे तो ये लेवल डिस्प्ले करने लगेगा। इवन मेरी टेबल का जो लेवल है पूरा सही नहीं है। और ये जो टिल्ट का बटन है दो तरीके से इसको डिस्प्ले करता है, एक ये परसेंटेज में दिखाता है, तो जो भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। एक बटन इस पे होल्ड का है, तो इससे क्या होता है कि जो भी रीडिंग आ रही है ये फिक्स हो जाती है, एक जगह रुक जाती है। तो ये ऐसे आप सपोज चेक करना चाहते हैं कहीं पर कि कितना लेवल है और आप देख नहीं पा रहे हैं इसका डिस्प्ले, तो उस जगह पे आप होल्ड का बटन दबाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ये काम आता है। जैसे रीडिंग इसकी फिक्स हो गई तो अगर आप इसको मूव भी करेंगे तो रीडिंग चेंज नहीं होगी, वहीं रुकी रहेगी। ऐसे ही एक बेवल का बटन है, इससे क्या होता है कि जो भी रीडिंग आ रही है ये उसको ज़ीरो मान लेता है, एक तरह से ज़ीरो सेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये रहता है, सपोज़ जैसे टेबल है, अगर मैं इसको ज़ीरो सेट करना चाहता हूँ और इस पर कोई चीज़ रखी है उसका लेवल मैं चेक करना चाहता हूँ तो इस तरीके से काम करेगा। तो ज़ीरो का जो एरर होता है कई जगह उसको सेट करने के लिए होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हर जगह ये ज़ीरो की रीडिंग आपको आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत जगह थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है ये, तो उसको सेट करने के लिए होता है। और अगर जो ज़ीरो आपने सेट करा है उसको वापस करना चाहते हैं, इसका यानी कि एक्चुअल जो मेजरमेंट दिखाता है यूनिट की, तो इस पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वापस एक्चुअल रीडिंग आपको दिखाने लगेगा। और लास्ट वाला बटन ये लेज़र का है, इसमें एक आपको लेज़र भी मिलती है। ये लेज़र काफ़ी ज़्यादा काम आती है फ्लोरिंग के लिए या टाइलिंग के लिए, जब आप चेक करना चाहते हैं जो स्टोन्स आप बिछा रहे हैं गीले मोर्टार पे उसका जो लेवल है बिल्कुल सही हो। इसके बारे में अभी हम और डिटेल में बात करेंगे वीडियो में। नीचे के साइड में इसमें मैग्नेट्स भी लगे हुए हैं, तो किसी भी मेटेलिक सरफेस पे आप इसको लगा सकते हैं, ये अपनी जगह पे रुका रहेगा। कॉमनली लेवल्स में ये चीज़ आपको मिलती है। और एक बहुत बारीक सी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके प्रिसीजन को लेकर, इस पर आपको ये मार्क्स दिखाई दे रहे होंगे थोड़े थोड़े से। इस टूल को प्रिसाइज बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट करा जाता है और यही मार्क्स आपको ये चीज़ बताते हैं। अब वो कैसे, इसको वाइस में फिट करके एक मिलिंग मशीन होती है तो पूरे तरीके से ये घिस के इसको एकसार करा जाता है। तो ये जो चीज़ है इस पर उंगली फेरेंगे तो एक साउंड भी आती है, क्योंकि ये मिलिंग मार्क्स होते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी लेवल्स पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, नहीं तो ज़्यादातर क्या करते हैं फॉर्जिंग ही जब ये करते हैं इसकी एल्यूमिनियम की तो ऐसे ही वो छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहती, क्योंकि ये जो सरफेस है पूरी तरीके से लेवल में नहीं आ सकती कभी भी, तो इसलिए ये इसको करा जाता है मिलिंग मशीन में।
इसको ज़्यादा टिल्ट करेंगे तो एरर दिखाएगा, तो 45 डिग्री से ज़्यादा आपको इसको टिल्ट नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल लेवल ये साइड टू साइड तो बता ही देगा, लेकिन आगे पीछे अगर इसको आप ज़्यादा झुका के अगर लेवल नापना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वैसे तो ऐसा कोई भी नहीं नापता, ज़्यादातर इसकी टॉलरेंस की रेंज में ही आता है ये। मेजरमेंट से पहले जो भी सरफेस है उसको साफ़ कर ले, इससे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स आपको मिलेगी। लास्ट टाइम स्टैनली के लेवल के मदद से इस टीवी को मैंने टांगा था और आप ये देख सकते हैं रीडिंग परफेक्टली ज़ीरो पे आ रही है, यानी कि बिल्कुल लेवल में है, एक डिग्री के ज़रा से भी पार्ट का फ़र्क नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है स्टैनली का जो स्पिरिट लेवल है ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है। बस इसकी अपनी लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिकली आपको डिस्प्ले नहीं करता कि कितने डिग्री का टिल्ट है जिस भी चीज़ को आप नाप रहे हैं। इस लेवल में लेज़र का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, इसके ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं वो लेवल में है कि नहीं। इसके लेज़र की हाइट करीब 12.5 mm है, तो 1.2 से लेकर 1.25 सेंटीमीटर के बीच में करीब ये पड़ती है, और जितनी मर्जी दूरी पे ये पड़ेगी इसकी हाइट सेम ही रहती है, क्योंकि लेज़र है और जाहिर सी बात है लेवल में रखने के लिए इसको इस्तेमाल करा जाता है। ये फंक्शन फ्लोरिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है, कोई भी टाइल्स आप बिछा रहे हैं, कोई भी स्टोन्स अगर बिछा रहे हैं गीले मोर्टर पे, या इवन प्लाई बोर्ड्स को आप अगर लगा रहे हैं फ्लोरिंग के लिए, तो इससे काफ़ी मदद मिलती है। खैर, इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और निर्भर करता है कि एग्जैक्टली क्या काम आप कर रहे हैं इस टूल की मदद से। अगर वीडियो को बिना स्किप करे आपने देखा है तो इस लेवल को तो आपको इस्तेमाल करना अच्छे से आ ही गया होगा, इसके सारे मोड्स और सारी जानकारी इसके फंक्शनिंग के बारे में तो आपको मिल ही गई है। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, किस जगह पे इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी की आपको ज़रूरत पड़ती है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करा हो, पर्सनली मैंने काफ़ी साल इस सेक्टर में बिताए हैं, तो जो फ्लोर की लेवलिंग होती है उसमें बहुत सारे कारीगर कमी कर देते हैं, क्योंकि जनरली इस तरीके के लेवल्स को इस्तेमाल करते हैं, कई बार तो ये भी नहीं करते, सिर्फ वाटर लेवल ही वो दीवार पे मार्क कर देते हैं, तो एक धागे की मदद से और नील में उसको डुबो देते हैं और एक बारीक सी लाइन डाल दी जाती है चारों तरफ, जैसे 12 इंच की ऊँचाई पर लेवल करके कर देते हैं। लेकिन उससे दिक्कत ही आती है, फ्लोर का जो बीच का हिस्सा होता है वहाँ पर आप ये चेक नहीं कर पाते हैं कि फ्लोर लेवल में है कि नहीं, और इस तरह के जो ये लेवल्स होते हैं एक लिमिट तक ही ये एक्यूरेसी आपको दे पाते हैं। अगर एक रीडिंग आपको आ रही है इलेक्ट्रॉनिक किसी टूल से तो वो तो ज़्यादा आपको एक्यूरेसी देगा ही, और उसको देख के आप अपने हिसाब से फिर एडजस्ट भी कर सकते हैं जिस टाइल को सपोज आप लगा रहे हैं गीले मोटर पे, तो फ्लोरिंग में बहुत ज़्यादा इसका अच्छा काम रहता है। आपने कई बार देखा होगा जैसे बाथरूम्स में बहुत जगह जो ढाल होता है वो सही से सेट नहीं करते कारीगर, तो उससे होता क्या है कि ड्रेनेज एक तरफ है और पानी जो है वो एक दूसरी तरफ इकट्ठा होता है, तो उससे ऑब्वियसली क्लीनिंग में आपको दिक्कत आती है। यही बारीक सी चीज़ अगर कंस्ट्रक्शन के वक्त ध्यान कर ली जाए तो ये पूरी ज़िंदगी की जो ये दिक्कत आती है लोगों को ये ना रहे, तो ज़्यादातर कारीगरों को एक तो पहली बात काम के जो बारीकी है वो पूरी तरीके से नहीं आती। ITI में जैसे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, पहली बात तो नंबर ही कितने लोगों का आता है, 1000 में से जितने भी आता है परसेंटेज इतनी हाई जाती है, जो सिस्टम ही ये ऐसा बना हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती हैं जिससे थोड़े से लोगों को ही वो जो जानकारी है वो मिल पाती है, तो ज़्यादातर कारीगरों को ये बात नहीं पता होती और स्पेशल टूल्स भी उनके पास नहीं होते, तो इसकी कीमत भी अपने आप में होती है, तो इस कारण से काम की जो क्वालिटी निकल के आती है कंस्ट्रक्शन में वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी बाहर के देशों में आप देखें तो हो सकती है। और कोई भी फ्लोरिंग करते हैं जब या कोई भी टाइल्स बिछाते हैं तो बाहर तो खैर बिना लेवल्स के काम ही नहीं होता, इस तरीके के डिजिटल लेवल्स भी अब इंडिया में आने लग गए हैं और ये अच्छी बात है, घर बैठे ही अब तो खैर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ पहले के मुकाबले। ऐसे ही इसका एक एप्लीकेशन है सीवेज के पाइप्स बिछाने में, नॉर्मली तो किसी का भी ध्यान नहीं जाता इस चीज़ पे, लेकिन रोज़ आप जो बाथरूम यूज़ कर रहे हैं वो पानी कहीं ना कहीं से जाता है और उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग है, तो जो सीवेज के पाइप्स बिछाए जाते हैं जब आपका घर कंस्ट्रक्शन में होता है उसका एक ढाल होता है, और जो भी सीवेज के पाइप्स होते हैं उनके मोटाई के हिसाब से हर 10 फुट पे या हर 20 फुट पे एक इंच 2 इंच ऐसे उसको टिल्ट करा जाता है ताकि जो पानी है प्रॉपरली फ्लो करे। तो सपोज़ ये सीवेज का पाइप है, इसका अपना टिल्ट सेट करा जाता है, कई बार कारीगर इसको ज़्यादा टिल्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से बह जाता है, जो सॉलिड वेस्ट है वो ऊपर कहीं ना कहीं जमा रह जाता है तो उससे ब्लॉकेज आती है, और कई बार टिल्ट इतना कम होता है कि पानी रुकता है लाइन के अंदर तब भी फिर ब्लॉकेज आती है। तो ये बारीक सी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान मकान में एक एक चीज़ की बड़ी बारीकी होती है,
जैसे सरिये का जाल जो बिछाया जा रहा है, कितने दूरी पर सरिया डाला जा रहा है, कितने mm की मोटाई का सरिया है, जो पिलर्स डाले जा रहे हैं उनका क्या साइज़ है, कितनी दूरी पे पिलर्स हैं, नीचे जो उसका बेस है वो कितना गहरा जाना है, कितनी चौड़ाई उसकी रखनी है, सीमेंट का जो रेशियो होता है वो भी अलग होता है, दीवार की मोटाई के हिसाब से चेंज हो जाता है। इतने बड़े स्ट्रक्चर में बहुत सारी इंजीनियरिंग होती है, और सीवेज के पाइप्स का तो एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है। कंस्ट्रक्शन में एक एक चीज़ की बड़ी बारीकी होती है, क्या देखने में लोगों को लगता है कि काफ़ी रफ प्रोसेस है, और अच्छे टूल्स आपके पास होते हैं तो आप बेहतर काम कर पाते हैं। अगर इस पर डिग्री की बात करें, जैसे सीवेज पाइप अगर होता है 4 इंच का, अगर सीवेज पाइप है हर 10 फुट पे अगर आप 1 इंच ढाल दे रहे हैं तो 1 डिग्री के नीचे करीब आएगा, 0.75 डिग्री या 1.5 डिग्री, ऐसे इसमें ये लेवल दिखाएगा। तो सीवेज पाइप का जो ढाल है इसको टिल्ट कह देते हैं, स्लोप कह देते हैं, या पिच भी कह देते हैं, अलग अलग शब्द हैं। तो जो भी कंस्ट्रक्शन कोड्स आप फॉलो कर रहे हैं ये जो चीज़ है आपको उस पर मिल जाएगी, और उस हिसाब से आप फिर इस लेवल पे इसकी रीडिंग चेक करके आप फिर सीवेज पाइप ले कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन में कह रही है बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला टूल है, और ऐसे ही और भी एप्लीकेशन है इसके। कोई भी चीज़ आप जैसे फिट कर रहे हैं अपनी दीवार पे तो उसमें भी खैर ये बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन ये एक स्पेशलाइज टूल है। अगर आप कभी कभार यूज़ करें तो खैर उतना ज़्यादा आपके लिए सूटेबल ये वाला नहीं है मेरे ख्याल से। अगर कॉमन यूज़ आप कर रहे हैं, कभी कभार यूज़ कर रहे हैं, और सिर्फ आपको ये ही देखना है कि कोई चीज़ सीधी है कि नहीं, इस तरह का छोटा वर्जन भी आता है और ये आपको 1000 रुपये के नीचे मिल जाना चाहिए। इसके कई वर्जन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी आता है, थोड़ा सा उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो डिजिटली आपको एंगल डिस्प्ले करता है जैसे कि ये करता है। ज़्यादा एक्यूरेसी आपको चाहिए तो ये 2 फुट वाला वर्जन है, इससे ज़्यादा एक्यूरेट तो खैर आपको कोई भी लेवल मिलेगा ही नहीं, लेकिन इसका अपने आप में प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी कि आपका क्या एप्लीकेशन है और इतना प्रिसाइज आपको ज़रूरत है कि नहीं। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए कहीं से भी इसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली बिल्ट है, ठीक ठाक वेट है इसका, फुली एलुमिनियम का है। ये बीच में से जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे थोड़ा बहुत प्लास्टिक्स तो इस्तेमाल करा ही जाएगा, बैक साइड में जैसे ये कंपार्टमेंट है, और जो एंड कैप्स होती है ये भी प्लास्टिक की है। खैर एंड कैप्स प्लास्टिक की रहें तो अच्छा रहता है, कई बार जैसे अगर आप ड्रॉप कर देते हैं तो एल्युमिनियम थोड़ा ज़्यादा इजीली डेंट करता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रिसाइज टूल आप मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसको रफ़ यूज़ करा, इसकी जो सरफेस है जितने प्रिसाइजली इसको जो मशीन करा गया है ये फ्लैट नहीं रहेगी, तो उसे होगा क्या कि अगर आप जैसे लेवल इसको चेक कर रहे हैं किसी चीज़ का, कहीं भी अगर डेंट्स हैं, कहीं से उठ गया है सपोज़, जैसे कहीं भी अगर डेंट पड़ता है थोड़ा सा एक एज बन जाती है, तो उसके कारण क्या होता है लेवल पूरी तरीके से फ्लैट नहीं टिकता, तो हल्का सा उसमें एरर आ जाता है। इसलिए अगर आप इस लेवल का इस्तेमाल करें थोड़ा सा डेलिकेटली ही करें, नमी से बचाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं थोड़े बहुत। और एक चीज़ और, इसके अंदर जो बैटरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आने का तो सस्ती बैटरीज भी आती है, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अच्छी क्वालिटी की बैटरी आप इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि वो लीक करने के जो चांसेस हो जाते हैं अल्कलाइन बैटरीज़ के, वो नहीं रहते, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि किसी भी आपके टूल में बैटरीज़ लीक करे, और फिर जाहिर सी बात है उसको रिपेयर कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ पैनासोनिक की बैटरीज़, ये अल्कलाइन बैटरीज़ ही हैं लेकिन उतने आराम से लीक नहीं करती। रिचार्जेबल बैटरीज़ भी आती हैं, लेकिन अभी 9 वोल्ट्स में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है इंडिया में, इन केस होती हैं तो उस पर ज़रूर हम किसी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इतनी हाई ड्रेन डिवाइस नहीं है, तो कोई भी अल्कलाइन बैटरी आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे तो लीक करने के चांसेस तो रहेंगे ही नहीं, और आपका टूल भी सेफ रहेगा। बस अगर आप ज़्यादा लंबे समय के लिए इसको स्टोर कर रहे हैं, बैटरी को अलग निकाल के स्टोर करें, इसमें लगे ना रहने दें, क्योंकि चांसेस लीकेज का आपको कम से कम करने हैं। तो ये दोनों ही लेवल्स बिल्कुल परफेक्ट लेवल बताते हैं, दोनों में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। इससे पहले एक मैंने सस्ती क्वालिटी का लेवल भी इस्तेमाल करा था, काफ़ी सस्ता था वो, मेरे ख्याल से होगा 200-300 रुपये का, 300-400 रुपये का ऐसे आपको मिल जाएगा कॉमनली। तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि एक साइड से जैसे हम किसी चीज़ को चेक करते हैं उसका जो स्पिरिट लेवल था एक साइड पे आता था, और फिर उसके बाद अगर घुमा के हम उस पर रखते थे वो फिर दूसरी साइड पे आता था, यानी कि एक साइड पे दिखाता है यहाँ पर और एक साइड पे दिखाता है यहाँ पर, तो उस लेवल में ही अपने आप में थोड़ा सा एरर था। तो फिर करता क्या था मैं, दोनों तरफ लेवल को लगा के उसका जो एवरेज आती थी फिर मैं उससे हिसाब लगाता था कि हाँ ये चीज़ अब लेवल में। तो अगर कोई भी ऐसा आपके पास लेवल है तो अवॉइड करें उस तरीके की चीज़ों को यूज़ करना, क्योंकि अब तो आपको हाई क्वालिटी लेवल्स भी मिलने लग गए, पहले तो आराम से चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। मैं काफ़ी पता करा था, स्टैनली का भी नहीं मिलता था, यूज़ुकी का भी नहीं मिलता था, अब तो खैर घर बैठे चीज़ें मिलने लग गई। तो एक अच्छा काम अगर आपको करना है तो इस तरह के टूल्स तो खैर ज़रूरी है ही, ताकि आप कम से कम जो चीज़ टांग रहे हैं सीधी टंगे
इसकी कीमत जानने या इसे खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।